हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ वर्षा चावला, ए स्किन केयर एक्सपर्ट एंड ए मेकअप आर्टिस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रेश फ्रूट्स के बारे में कि आप उनको खा के क्या फ़ायदा ले सकते हो और उसको फेस पे लगा के भी आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आज मैं आपको 3 फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जिनको खा के आपको बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे और लगा के आप अपनी स्किन को भी दमका सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। एप्पल के अंदर विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको डेली खाने से आपकी त्वचा में कसावट आती है और जो लोग इसको सुबह खाली पेट खाते हैं वो अपना वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए एप्पल का रस वरदान है। फ्रेश एप्पल को आप कद्दूकस करके उसके रस को अगर आप सेंसिटिव स्किन पे, रैशेज वाली स्किन पे, जिनकी स्किन कुछ भी लगाने से रेड हो जाती है, अगर आप उस स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और आपकी स्किन इम्प्रूव हो जाएगी। डेली एप्पल खाने से त्वचा में कसावट तो आएगी ही आएगी। अब आप इसका एक पैक बना के लगा सकते हैं, वो ऐसे है। आप लीजिए 2 चम्मच जौ का आटा, उसके अंदर शहद, दही और एप्पल का पल्प या एप्पल का रस। इस पैक को आप 30 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ दीजिए और उसके बाद स्पून से पैक को हटा के आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। स्पून से इसीलिए हटाना है क्योंकि हमें पानी सेव करना है। डायरेक्ट आप पानी से फेस वॉश करेंगे तो उसको हटाने हटाने में ही पानी वेस्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप 30 मिनट के लिए इस पैक को लगाते हैं तो आपकी एजिंग देखिए कैसे भागती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा फ्रूट है ऑरेंज। ऑरेंज का रस भी और छिलका भी दोनों ही बेनिफिशियल है। ऑरेंज में विटामिन सी सबसे भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये सबसे कम कैलोरी वाला फ्रूट है। आप एक दिन में जितने भी ऑरेंजेस खाएंगे अपनी ब्यूटी में 4 चांद लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑरेंज के रस को आप पिंपल्स के ऊपर और ब्रैकेट्स के ऊपर डेली, जब भी आप ऑरेंज खाते हैं उसकी एक फांक लेके उसको आप डेली अपने फेस पे ऐसे ही बस मसाज करिए और 5 से 10 मिनट बाद आप उसको वॉश कर दीजिए। वो आपके स्किन से ब्लैकहेड्स को हटाएगा। और ड्राई स्किन के लिए आपने क्या करना है, जौ के आटे में ऑरेंज का पल्प प्लस शहद और दही, आपकी मर्जी है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप दही मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो जौ के आटे में शहद और ऑरेंज पल्प मिक्स करके आप 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगाइए और फिर आप ग्लो देखिए। ऑरेंज खाने से हमारी डाइजेशन भी ठीक होती है और विटामिन सी हमारी स्किन को और बालों को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो फ्रेंड्स, अपनी डेली डाइट में ऑरेंजेस को शामिल करिए। आज का हमारा तीसरा फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एशिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फ्रूट है। इसको सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, ओमेगा 3, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप डेली स्ट्रॉबेरी खाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आपके वेट लॉस में भी फ़ायदा होता है और जिनकी हड्डियों में दर्द रहता हो वो स्ट्रॉबेरी खा के इससे फ़ायदा ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को आप एक स्क्रबर की तरह फेस पे और बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। जिनकी बॉडी धूप में टैन हो जाती है या लोग घूम के आते हैं उनके लिए स्ट्रॉबेरी का स्क्रब बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ भी नहीं करना, स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश करके आपने उनको मैश कर लेना है और उससे आपने 15 मिनट तक अपने फेस पे या बॉडी पे, जिस भी पार्ट से आपने टैनिंग हटानी हो, आप स्ट्रॉबेरी का स्क्रब वहाँ 15 मिनट तक कम से कम हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहिए और फिर उसको ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 3 सिट्रस वाले फ्रूट जिनको खा के आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और चेहरे की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, एजिंग कंट्रोल कर सकते हैं और पेट की बहुत सारी बीमारियों से भी फायदा पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 और सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।